स्ट्रक्चर सैनिटेशन एंड क्लीननेस ड्राइव इन द एरिया एंड स्पेशली अराउंड द टेम्पल्स। ये म्युनिसिपैलिटी को डायरेक्शन जो है जो ग्राम साहब की तरफ से आई हुई है, हमारी तरफ से तो यही गई, प्लस आप और इंश्योर कर रहेंगे। लाइन मार्किंग जो है नवरात्र के नौ दिनों में हर जगह, हर मंदिर में और ड्रामेटिक क्लब में हर जगह होनी चाहिए, सफाई भी, रोशनी भी और लाइन मार्किंग। जिस तरह से लास्ट ईयर हमने किया वो भी डिस्कस किया, और जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें डायरेक्शन है वो भी आप लोगों को बता दिया गया है। जहां तक जितने भी ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपने अपने जो पॉइंट हैं वो नोट कर लिए होंगे। जो मेजर जहां तक मैं समझता हूं कि सिक्योरिटी का फैसला है, तो सिक्योरिटी में हमारे एडिशनल एसपी साहब बैठे हैं, तो इसको अपना एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स आपकी तरफ से हो जाना चाहिए। जहां तक डिमांड जो ज्यादातर है कि हमारे टेम्पल्स जो है, टेम्पल्स का क्लीनलीनेस, साफ सफाई उसके आसपास, उसका जो उसके बाद चूना मार्किंग है, और ड्यूरिंग रामलीला आपको इस पर स्पेशल अरेंजमेंट जो है, स्पेशली पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पीएचई और म्युनिसिपैलिटी की तरफ से क्लीनलीनेस जो है वो हो जाना चाहिए। इसी तरह से दशहरा पर भी, दशहरा में स्टेज के लिए कहा गया है, तो एक्सीएम साहब आपको ये लास्ट ईयर भी आपने किया है तो इसको देख लीजिए। क्लीनलीनेस सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए तो पंचायतों को, क्योंकि इस समय स्वच्छता ही सेवा में भी हमने सारे जितना भी हमारा लीगेसी वेस्ट था उसको भी हटाया है, और हम सबको स्वच्छता के जहां तक संबंध आता है उसमें से भी ये नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन या हमारे ऑफिसर्स का कोई काम है, ये चीज तब तक साफ नहीं होगी जब तक हमारा कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। हम सब साथ नहीं चलेंगे तब तक नहीं हो सकता।